तो हरियाणा का वोटर है ना जी, वो बड़ा इंटेलिजेंट वोटर है जी। हरियाणा में जब वो वोट डालता है, कुछ अजीब फितरत है हरियाणा के वोटर की, वो इसलिए नहीं जताता ये आपको जताना है, वो इसलिए डालता है कि योगिंदर गुप्ता को हराना है। तो अब के जो डालेंगे काफ़ी सारे वोटर, वो इसलिए डालेंगे किसी एक पार्टी को हराना है। उसमें दूसरी पार्टी जीतती है तो जीत जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है वो 5 अक्टूबर को है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ अलग तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। क्या है हरियाणा के विधानसभा चुनाव का हाल, इसके लिए आज मेरे साथ चर्चा में है जोगेंद्र गुप्ता जी, जो ब्यूरो चीफ रहे हैं हरियाणा में द ट्रिब्यून के। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव हैं वो किस तरह के नतीजे दिखा रहे हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गुप्ता जी, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, प्रचार जो है वो आज खत्म हो गया है, सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक जो है उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। मोदी साहब ने रैलियां की, राहुल जी ने रोड शोज किए। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है इस बार सत्ता पे काबिज होती नजर आ रही है? इस बार जिंदर जी, जो हरियाणा में इलेक्शन है जी, लड़ तो बहुत सारी पार्टियां रही हैं जी, पर जिसे कहते हैं कि असल में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है जी। कैंडिडेट्स और भी खड़े हैं, इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं, आपके भी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जी, लोग इंडियन नेशनल लोकदल भी है, जेजेपी भी है जी जी, जो कि बीजेपी की 4 साल अलायंस पार्टनर रही। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो अलग लड़ रहे हैं जी, पर प्रैक्टिकली जो है लड़ाई वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बिल्कुल ठीक। इसमें जैसे जो 14 में जब हुए थे, जब बीजेपी पहली बार पावर में आई थी जी, तब लड़ाई ट्रायंगुलर थी जी, कांग्रेस भी थी, लोकदल भी बड़ा स्ट्रांग था उस वक्त, और कांग्रेस बीजेपी, और सरप्राइजिंगली बीजेपी ने उस वक्त 47 सीट्स लेके सबको हैरान कर दिया। एक वेव भी थी उस समय मोदी साहब की, मोदी लहर भी थी। बिल्कुल जी, मोदी जी की वेव और पुलवामा की वजह से 19वीं भी वेव रही जी। लोकसभा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती जी, तो उम्मीद थी कि जब जो 4-5-6 महीने बाद ही असेंबली का इलेक्शन हुआ, इसमें भी अगर वो उस रिकॉर्ड के हिसाब से देखते तो बहुत अच्छा रिजल्ट, क्लीन स्वीप हो गया था एक तरह से। इसलिए बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था इस बार 75 बार जी, जैसे इस बार लोकसभा में बीजेपी का नारा था इस बार 400 बार, उस वक्त हरियाणा बीजेपी का नारा था इस बार 75 बार जी। उस नारे ने कांग्रेस को भी डिमोरलाइज कर दिया था, कांग्रेस भी यकीन करने लग गई थी कि हमारा कुछ नहीं बनेगा शायद, पर जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो सब शॉक थे, क्योंकि ये वर्चुअली डायरेक्ट फाइट ही निकली बीजेपी और कांग्रेस की, जिसमें बीजेपी 40 सीटें ले पाई जो 70 पार वाली थी, कांग्रेस की 31 आई जी, जबकि लोकदल को 1 मिली। जेजेपी जो लोकदल का ही संतान थी जी, वो 10 ले गए, 10 ले गए थे, बाकी 5-6 इंडिपेंडेंट आ गए थे, तो उन 10 की वजह से बीजेपी ने उनका साथ लेके, इंडिपेंडेंट तो आई जाया करते हैं जिसकी सरकार बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सरकार बीजेपी ने ऐसे बनाई थी। अब के बार ना तो वो वेव है, क्योंकि लोकसभा में भी कोई वो जादू चला नहीं मोदी जी का जो उम्मीद थी। ये ठीक है, उनके नाम पे काफी वोट पड़ी है लोकसभा में जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खास करके शहरी इलाकों जी, पर अब जो डायरेक्ट फाइट रह गई है वो कांग्रेस और बीजेपी में है इस बार। जैसे आप कह रहे हैं कि वेव नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव की ब्यार नजर आ रही है मुझे, कुछ आप लोगों का बदलाव का मूड नजर आ रहा है मुझे। चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं लोग, क्योंकि बीजेपी की 10 साल के राज से एंटी इनकम्बेंसी काफी हो गई है जी। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होती है उसको एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं सामना तो करना पड़ता है जी। 14 से 19 में 47 से 40 आना, वो भी शो करता है कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी जी, अब कुछ ज्यादा ही एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि भाई
कितनी सीट किसकी आएंगे मैं नहीं कह सकता अभी, पर एंटी इनकम्बेंसी है जो कि बीजेपी भी एक्नॉलेज करती है कि है, और यही कारण था कि उन्हें श्री मनोहर लाल खट्टर जी को लोकसभा इलेक्शन से चंद महीने पहले उनको हटा के नायब सिंह सैनी जी को लाए कि एंटी इनकम्बेंसी। और उसका कारण ये था कि बीजेपी ने गुजरात में भी एक्सपेरिमेंट किया था जी ऐसे चेंज करने का, जहां जहां उन्होंने किया था काफी जगह उनको फायदा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि शायद हरियाणा में भी हो जाए, पर हरियाणा में लगता नहीं कि वो फायदा मिला जो बीजेपी जिसको उम्मीद कर रही थी। अगर मनोहर लाल खट्टर को हटाने की बात करें तो अगर उसका फायदा मिलना होता तो उनको लोकसभा चुनाव में डेफिनेटली मिल जाता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पिछली बार इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, इस बार आधे पे सिमट गए, आधे पे सिमट गए जी। अच्छा, दूसरे एक तो नायब सिंह सैनी जी को टाइम बहुत कम मिला, क्योंकि जैसे ही बने उसके चंद हफ्तों में ही लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, वो खत्म हुआ तो अभी कुछ करते तो बाय इलेक्शन थे, बाय इलेक्शन तो नहीं थे, यहाँ इलेक्शन अनाउंस हो गए जी जी जी। नहीं सैनी साहब को भी तो अपनी सीट पे कहीं ना कहीं वो तो लोकसभा के साथ ही लड़ रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो तो उसी के साथ जी 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 जी। तो ये कुछ कर नहीं पाए। दूसरे पब्लिक में ये परसेप्शन रही कि ये मुखौटा है नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। उसका कारण ये था कि खट्टर साहब तो हट गए, मुख्य केंद्र में मंत्री बन गए, पर उनका जितना सीएम स्टाफ में उनका स्टाफ था वो वैसा का वैसे ही सीएम स्टाफ में रहा जी। एक सिर्फ चीफ सेक्रेटरी बदले, वो भी इसलिए बदले कि पुराने चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे अपनी डेट पे, तो किसी को नए को आना ही था। वो मिस्टर टीवीएसएन प्रसाद वैसे भी एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी थे जी, वो रेगुलर हो गए, बाकी सारा स्टाफ वही रहा। तो पब्लिक में यही रहा कि ये तो मुखौटा है, अभी भी चल तो खट्टर साहब की रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो खट्टर साहब के लिए ज्यादा थी वो वैसे की वैसी महदूद रह गई। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, तो चर्चा में ये बात भी आती है कहीं ना कहीं ओबीसी जो जातीय समीकरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं ओबीसी के जो लोग हैं, ओबीसी समुदाय है, उसको भी साधने की कोशिश की गई है इसके द्वारा। कोशिश तो यही थी, खट्टर साहब ने तो यही कहा था कि जी ये ओबीसी हैं, ओबीसी बन जाएंगे, वरना क्लेम तो श्री अनिल विज का ज्यादा बनता था। कुछ फायदा हुआ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका कोई फायदा हुआ क्या? ओबीसी हरियाणा को साथ पाएंगे ये लोग? जो हरियाणा में ओबीसी समाज है जी, उस संभव बाकी स्टेट्स की तरह इतना इकट्ठा नहीं है। उसमें भी अगर ओबीसी में एक सैनी है तो बाकी क्या कहते हैं, यार ये तो सैनी है हमें क्या फायदा जी, तो उतनी एक माला में प्रयोग हुए नहीं है, मतलब ना उतनी मेजोरिटीज है, मतलब इनकी अगर सैनी तो काफी है जी इकट्ठे हो, पर ये 33% के आसपास शायद ये हरियाणा में है। जैसे हिंदू समाज जातों में बटा हुआ है, ऐसे ही जो बैकवर्ड ओबीसी समाज है हरियाणा में, वो इस बीमारी से अछूता नहीं है जी, वो भी बटा हुआ है जातों में, इसलिए एक का बना दिया तो दूसरों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते कि भाई यार ओबीसी बन गया। एक सवाल मैं अक्सर, मेरे पास पत्रकार भी आते हैं, पार्टियों के प्रवक्ता भी आते हैं, उनके स्पोक्समैन भी आते हैं, मैं अक्सर पूछता हूं, जो मैं देख रहा हूं हरियाणा की राजनीति में अभी हो रहा है, मोदी साहब रैलियां कर रहे हैं, 4 रैलियां मोदी साहब ने की, 6-6 रैलियां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी भी कर गए हैं, इसके अलावा स्टार प्रचारक भी आए हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, 9.5 साल उन्होंने हरियाणा पे राज किया, मुख्यमंत्री रहे हैं वो, रैलियों में कहीं नजर नहीं आ रहे, पोस्टरों से वो गायब हैं, और अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री साहब की, वो हुड्डा साहब के जो पिछले 10 साल के काम है उनमें गलतियां बताते हैं, उनके टाइम की जो करप्शन है उसकी बात करते हैं, उसके टाइम के जो गलत काम है उसकी बात करते हैं, लेकिन 9.5 साल जो बीते हैं खट्टर साहब के उसकी बात नहीं करते, उसकी अचीवमेंट क्या है वो नहीं बताते, ना तो उनकी अचीवमेंट 9.5 साल में उन्होंने क्या किया इसकी कोई बात नहीं करते, इसके अलावा वो पोस्टरों पे कहीं नजर नहीं आ रहे, रैलियों में कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या जो खट्टर साहब हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेल मुख्यमंत्री कहूं मैं उनको? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि भाई बीजेपी ने खुद समझ लिया था कि भाई हमारे खट्टर मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए बदला जी। अब जैसे अभी आपने बताया कि वो रैली में नहीं नजर आते, पोस्टों पे नहीं नजर आ रहे,
ये इस बात का ही दोबारा से मानना है कि बीजेपी अब मान चुकी है कि खट्टर साहब अनपॉपुलर है जी। अगर अनपॉपुलर थे, मैं सॉरी मैं आपको बीच में ही रोक रहा हूं, यहीं से फिर आपके आप प्लीज अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर अनपॉपुलर थे तो दूसरी बार उनको पोर्ट्रेट क्यों किया गया, दूसरी बार मुख्यमंत्री उनको क्यों बनाया गया, ये चीज तो पहले पांच साल में भी समझ आ जाती थी। देखिए खट्टर साहब मोदी जी के काफी नजदीक रहे जी, जब मोदी साहब यहाँ पार्टी का काम देखते थे तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये बात जग जाहिर है जी, ये बात तो हाँ, तो ये इकट्ठे रहते थे जी, मोदी जी को इस बात का रिकॉर्ड है। और दूसरी बार जो 40 सीटें ले गई थी तो वो आप ये नहीं कह सकते कि भी कोई इतना बड़ा पैमाना था एंटी इनकम्बेंसी का, 47 से 40 पे आए थे, तो सेकंड टाइम जब भी रूलिंग पार्टी आती है हाँ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत तो होती होती है, बिल्कुल होती है, कम हो जाती है सीटें जी, तो इसलिए उनको लिया गया। पर अब उनको जो भी रिपोर्ट्स मिली होगी मोदी साहब को कि भाई एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए खट्टर साहब क्या हुआ। अब इस साइज कंपेनिंग में भी ज्यादा नजर नहीं आ रहे होंगे आपको, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स कईयों ने कहा दुआ करते थे कि खट्टर साहब ना आए हमारे कंपेन करने। अच्छा जी, एक किसी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी जो पंजाब के बॉर्डर्स के साथ लगती है, उसके बीजेपी के कैंडिडेट ने कुछ बताया मुझे कि भाई हम तो दुआ करते थे कि खट्टर साहब ना आए ना आए ना आए, पर वो आए और जो मेरी और वोटें आनी थी उसमें और कमी कर गए, क्यों आके फार्मर्स के लिए कुछ बोल गए। आपने अभी बॉर्डर की बात की, बॉर्डर एरियाज की बात की, एकदम से मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अगर देखा जाए पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, मतलब दोनों तरफ बॉर्डर में आम आदमी पार्टी है, आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है, तो क्या ये दो स्टेट्स में जो आम आदमी पार्टी है इसका कोई असर नहीं है, क्या ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट हो रहे हैं पंजाब में काम, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी अप्रिशिएट हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के काम, तो क्या जो है ये असर नहीं पड़ेगा बॉर्डर एरियाज के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जो हरियाणा का वोटर है ना जी, वो बड़ा इंटेलिजेंट वोटर है जी, हरियाणा में जब वो वोट डालता है कुछ अजीब फितरत है हरियाणा के वोटर की, वो इसलिए नहीं जताता ये आपको जताना है, वो इसलिए डालता है कि योगेंद्र गुप्ता को हराना है। तो इब के जो वो डालेंगे वोटर, काफी सारे वोटर वो इसलिए डालेंगे किसी एक पार्टी को हराना है, उसमें दूसरी पार्टी जीतती है तो जीत जाए, मतलब उनके मायने ये है कि हराना किसको है जिताना किसको है, ये माइंडसेट नहीं बनता उनका ना, हराना किसको है उसमें फिर वो इतना जरूर देख लेते हैं कि भाई अगर इसको हरा सकती है तो ये पार्टी हरा सकती है, चलो इसको डाल दो। बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी बड़ी संगठित पार्टी मानी जाती है, बड़ी अनुशासन प्रिय पार्टी मानी जाती है, अब तक इसमें बगावत विद्रोह देखने को नहीं मिला, इसमें कहते हैं कि ओहदे मांगे नहीं जाते दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही चुनाव की पहली लिस्ट आई उम्मीदवारों की बगावत शुरू हो गई और बगावत का पैमाना इतना बड़ा हो गया कि आज तक बगावत चल रही है। देखिए जब बीजेपी की पार्टी बड़ी डिसिप्लिन मानी जाती थी, कोई इसमें इनफाइटिंग नहीं थी, कुछ वो कब थी जब ये आउट ऑफ पावर थी जी। मैं पंजाबी की या हिंदी की भी थोड़ी सी हाँ हाँ आप किसी भी भाषा का मेरे जो दर्शक है वो है कहावत है जी, वो शायद वल्गर लगे तो मैं अपने आपके और अपने दर्शकों से माफी मांगते हुए कहता हूँ, अपने कहते क्या नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी जी, जब पावर में ही नहीं है कुछ कुछ बांटने को नहीं है कुछ लू तो वो क्या वहां झगड़ा हो रहा है, डिसिप्लिन थी। अब 10 साल से पावर में रहने के बाद अब वो बात नहीं रही। अच्छा फिर बीजेपी ने अपना जो स्ट्रेंथ थी कि इनकी जो हार्ड कोर है वो आरएसएस आइडियोलॉजी के लोग हैं जी, अब वो क्या हुआ है कि ओवर द इस ख्वाहिश में कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन करें, इन्होंने ऐसे इतने आदमी अपने साथ मिला लिए
जिनका आरएसएस है, आइडियोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूर नजदीक का कोई वास्ता नहीं, वो आए तो जो आरएसएस के या बीजेपी के लॉयल वर्कर थे उनको लगा कि हमें तो इसलिए यहाँ बस किसी ने ऊपर चढ़ना तो हम कंधा दे दें भाई, हमारे कंधे पे चढ़ जा तो इसलिए भी डिसिप्लिन खराब होगा। फिर उन्होंने जब ये देखा कि जो मंत्री बन जाते हैं खास करके वो जो नए नए आए होते हैं पार्टी में, मंत्री भी बन जाते हैं कि ये तो ऐश कर रहे हैं, हम जब अपने लीडर के पास जाते हैं कि जी हमारा ये छोटा सा काम है, वो ये नहीं समझता वर्कर कि भाई रूल्स क्या है। बीजेपी के लीडर उसको फट से कह देते हैं नेता कि भाई ये हमारे आदर्शों के खिलाफ है, तो उसको चुपता है यार ये अब आदर्श आ गए। जब आप खुद किसी को दागी बंदों को भी ले आते हैं तब तो आदर्श कहाँ जाते हैं, इसलिए बीजेपी में वो बात बनी, कल्चर इसका जो करेक्टर था वो वीक हो चुका था। दूसरी तरफ बात करते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी रोड शोज कर रहे हैं, प्रियंका गांधी साथ में है, वो बात करते हैं आरक्षण की, वो बात करते हैं संविधान की, वो बात करते हैं बेरोजगारी की, क्या आपको लगता है कि वो इन बातों से, स्पेशली मैं बात करूंगा एससी कम्युनिटी या ओबीसी कम्युनिटी, क्योंकि 22% के आसपास एससी कम्युनिटी है, दलित समुदाय की बात करें तो इस समय सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि दलित समुदाय की तरफ जो है उनका झुकाव ज्यादा है, तो क्या जो राहुल गांधी है वो आरक्षण की बात करके, जातीय जनगणना की बात करके, संविधान की बात करके, इन एससी कम्युनिटी को या दलित समुदाय की बात करूं या ओबीसी समुदाय की बात करूं, इसको साध पाएंगे, इसको अपनी तरफ खींच पाएंगे? राजेंद्र जी मैं आपके थोड़ा सा फिर ध्यान वापस लोकसभा जो अभी 24 के हुए हैं उसमें ले जाना चाहता हूं। जी जब बीजेपी ने नारा दिया 400 पार, जी तब एक दलित ऑर्गेनाइजेशन है बामसफ, जी जो कि शायद बीएसपी से भी पुरानी है, बामसफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट उनका दलित समाज पे काफी इन्फ्लुएंस है खास करके पढ़े लिखे दलितों में। जी राहुल जी के या किसी और के कहने से पहले उन्होंने ये बताया दलितों को कि भाई अगर 400 पार आ गई तो रिजर्वेशन गई, जी और वो कोई प्रेस नोट नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, भाई वर्ड ऑफ माउथ प्रचार करते हैं, और उनकी बात का दलित समाज पे ज्यादा असर होता है बजाय किसी नेता के जो स्टेज से बोल रहा हो। ये प्रचार घर घर में हो गया दलितों समाज में, जिस वजह से पहले 2-3 राउंड में बीजेपी को बहुत कम वोट मिले समाज से, बाद में उनको भी पता लगा बीजेपी को, फिर बड़ी रोकने की कोशिश की, उन्होंने 400 पार कहना भी बंद कर दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। जी तो अब यहां अगर राहुल जी अब दलित समाज का जो मन बन चुका है अगर, तो वो अभी भी बात का असर है उसका, तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। बाकी जहां तक बेरोजगारी की बात है तो मैं ये समझता हूं इतनी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है कि इस बेरोजगारी की समस्या को इस आज की डेट में तो अगर परमात्मा भी आ जाए वो भी दूर नहीं कर सकता, ये लीडर तो क्या करेंगे, क्योंकि एक तो हम ये समझते हैं कि बेरोजगारी तभी दूर होगी अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या मेरे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, जी इतनी गवर्नमेंट जॉब्स तो हो ही नहीं सकती। 2 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? वो कहते हैं हरियाणा में इतनी वैकेंसीज खाली हैं, हम 2 लाख नौकरियां देंगे। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या है, मुझे कुछ थोड़ा सा टॉल क्लेम लगता है ये तो, मतलब ये चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी तक रह जाएंगी। हाँ जैसे वो था 15-15 लाख आएंगे, बाद में कहा गया ये वो तो चुनावी जुमला था, तो ये भी चुनावी जुमला हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था जीटी रोड की जो बेल्ट है ये, मैं बात करूंगा स्पेशली करनाल की, सफेदों की या पानीपत की, इसके बाद अपन हिसार की भी बात करते हैं। मैं बात करता हूं यहां करनाल सफेदों या पानीपत की बात करूं तो 10 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें से
पांच पे भारतीय जनता पार्टी पीछे पिछले विधानसभा में विजय रही है। नीलू खेड़ी के जो खड़े थे आजाद उम्मीदवार वो अब कांग्रेस में आ गए हैं। यहाँ पे हिसार की बात करें तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे, और जिसमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी विजय थी और 3 पर जेजेपी थी, और जेजेपी के कुछ लोग शायद बाद में भारतीय जनता पार्टी में वो लोग आ गए थे। तो 17 कॉन्स्टिट्यूएंसियों की बात करूंगा, इसमें से 4 पर कांग्रेस है पिछली, अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की। तो इस बार राहुल गांधी जो है उन्होंने बड़ी जोरदार प्रचार किया इस सारे एरिया में, तो क्या लगता है कि समीकरण बदलेंगे वहां के? देखो समीकरण तो बदलेंगे जी, ये मैं कह नहीं सकता कि राहुल जी की वजह से बदलेंगे या कोई और वजह से बदलेंगे। अच्छा, मतलब समीकरण बदलेंगे वजह मैं नहीं कह सकता कि भाई राहुल जी है, प्रियंका है या कोई और है। चलो अब एक आखिरी सवाल कि इस बार जो चुनाव होंगे, जो मैं बात करूंगा कांग्रेस की, कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला सब दावेदारी करते हैं मुख्यमंत्री बनने की। उसके बाद आज की अगर बात करूं तो आज कुमारी शैलजा प्रचार में दिखाई नहीं दी और वो सोनिया गांधी से मिलने गए। Yes. दूसरी तरफ आज अशोक तंवर की बात करूंगा, तंवर जी जो पीछे कांग्रेस छोड़कर पार्टियां बदलते कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, आज वापस आ गए। तो इससे क्या साबित होता है कि क्या कुमारी शैलजा का बदल नजर आ रहा है अशोक तंवर द्वारा? क्या जो, क्योंकि दलित चेहरा है अशोक तंवर भी, दलित चेहरा कुमारी शैलजा भी, तो उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा कुमारी शैलजा को? और क्या ये जो 3 दावेदार हैं, 2 सवाल हैं मेरे, दोनों को अच्छे से समझिएगा कि 3 दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, तो क्या अगर कांग्रेस जीत के आती है फूट पड़ेगी? हाईकमान क्या करेगा, किसको मुख्यमंत्री बना सकता है? दूसरा, अशोक तंवर के आने से कुमारी शैलजा को बल मिलेगा या कमजोर होंगी? देखिए राजेंद्र जी, कुमारी शैलजा जो है वो जितना बड़ा दलित फेस है हरियाणा में जी, अशोक तंवर नहीं है। ठीक है, हो सकते थे अगर वो कांग्रेस को छोड़े बिना, पर उन्होंने अब पार्टियां इतनी बदल ली कि वो इसके इनके नजदीक नहीं आते जी। और जहां तक इनफाइटिंग की है कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो जब से पैदा हुई है तब से इनफाइटिंग रही है कांग्रेस में। नहीं बिल्कुल, हाँ कांग्रेस में हमेशा देखा गया है। हाँ, लेकिन और ये इनफाइटिंग जो खास करके स्टेट्स में, मिसेस गांधी ने ही बढ़ावा दिया था इसको जी, क्योंकि तब कई स्टेट लीडर्स ऐसे थे जो बड़े स्टेचर में उनके ऑलमोस्ट बराबर थे। तो धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके एक्सपर्ट्स ने, भाई जहां पे एक लीडर है किसी तरह दूसरा भी पैदा कर दो ताकि उसकी कांटा कोई चुभता रहे। धीरे धीरे स्टेट लीडरशिप वीक की उन्होंने, तो इससे हुआ क्या, कांग्रेस भी वीक हुआ। हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है, अब भी कांग्रेस जहां जहां रिवाइव कर रही है वहां कर रही है जहां स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है। कर्नाटक में स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग थी, सरकार बनाई, ये नहीं कि सेंटर की वजह से वहां सरकार बनी है। हाँ, बट ऑब्वियस सी बात है, स्टेट लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। हिमाचल में का तो कल्चर ऐसा है कि भाई एक साल जी एक दफा एक पार्टी को बनाते हैं, दूसरी दफा बनाते हैं, तो इस बार कांग्रेस की बारी थी, बन गई। लेकिन आप ये कांग्रेस में रही है हमेशा, पर मैंने ये भारतीय जनता पार्टी में भी ये चीज देखी है कि बात करें अनिल विज की हाइट बढ़ती दिखी तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उसको साइडलाइन कर दिया, कट टू साइज कर दिया। जी जी जी। दूसरी तरफ बात करेंगे रामनिवास जी की, तो वहां भी मुझे उनकी हाइट जो है बढ़ती नजर आई, तो उनको भी सरकार ने जो है पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। देखो तो, रामविलास जी का तो दुर्भाग्य है मैं कहूंगा जी, वरना जितने भी उनसे सीनियर लीडर कोई नहीं है इस वक्त जी बीजेपी में, और ब्राह्मण चेहरा बड़ा ब्राह्मण चेहरा उनके साथ थे, वो स्वर्गवास हो गया उन सबका जी जी, तो एक वही थे, और इस वक्त उनके साथ ये व्यवहार करना, कहीं ना कहीं तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की यही पॉलिसी नजर आ रही है कि जिस लीडर का कद बड़ा होता है उसको आप साइडलाइन कर दो। नहीं देखो, बीजेपी में इस वक्त जो मैटर करते हैं वो सिर्फ मोदी साहब और अमित शाह जी करते हैं जी,
और राम विलास जी का कादे इतना कभी भी बड़ा नहीं हुआ कि वो नहीं, दोनों को चैलेंज करे। मैं स्टेट की राजनीति की बात कर रहा हूँ। स्टेट की बस पॉलिटिक्स कुछ चल गई है बीच में अंदर से, या तो खट्टर साहब ने उनको हटाया, नहीं बढ़ने दिया। तो है तो बीजेपी के जो पुराने वर्कर हैं उनके लिए तो ये अफसोसजनक बात है। अल्टीमेटली मेरा सवाल फिर वही आ जाता है लास्ट में कि लोगों का मूड क्या है इस बार? लोगों का मूड चेंज के लिए, बदलाव 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 चाहते हैं। एक आपने पूछा था कि हरियाणा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जी किसको बनाएगी, मैं नहीं कह सकता। मैं आपको क्या होगा वो बता देता हूँ। जी जी जी, एमएलए की मीटिंग होगी, काफी कशमकश के बाद एक रेजोल्यूशन पास होगा एक लाइन का कि ये इशू जो सीएम वाला है वो हाईकमांड पे छोड़ा जाता है, जिसको हाईकमांड बनाएगी सब बनेंगे। अल्टीमेटली हाईकमांड बॉल दिल्ली चली जाएगी, फिर वहां मैच खेला जाएगा, कौन कितना अच्छा खिलाड़ी है, कौन वो करता है। पर चर्चाएं तो इस तरह की भी आ रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को। कहां कांग्रेस बॉदर करती है अगर कांग्रेस ये बॉदर करे तो डिक्लाइन थोड़ा ही आता कांग्रेस का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पर कांग्रेस में इतना दम भी नहीं है जैसे मोदी जी करके ने दिखाया 24 में भी, कि इतने अननोन आदमी को बना के उठा के हाँ, बना दिया। हाँ, जिनकी तो हाँ, जिनका कहीं भी क्या राजस्थान क्या मध्य प्रदेश हाँ, चाहे यूपी की भी बात करें तो अगर मैं, चलो जब बनाया था हाँ, तो योगी जी का चलो फिर भी कुछ था। हाँ, जी जी, पर ऐसा नहीं लगता था कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसा नहीं। अगर हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी कहा जाता है कि योगी जी तो डंडे के दम पे बने अपने। अच्छा, देखिए ये तो अंदर की बातें, ये तो वही लोग जानते हैं। एक स्थिति हिमाचल में भी आई थी एक बार जी, जब वीरभद्र जी चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, उनकी उसमें इलेक्शन लड़ा गया था लीडरशिप में जी, उनके लोग ज्यादा एमएलए बन गए थे, समहाउ कांग्रेस हाईकमांड उनके हक में नहीं थी, तो कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने बाहुबल के बाहुबल अगर कहा जाए जी जी जी, तो वो मतलब अपने वो कहा भाई, फिर बनाना पड़ा था उनको। मुझे नहीं पता हरियाणा में वो स्थिति आएगी नहीं आएगी जी, या इतने में यहाँ कौन सा बाहुबली है जो हाईकमांड को झुका दे, मैं नहीं जानता जी। पर ये प्रोसेस यही होगा जो मैंने आपको बताया। खैर, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत कुछ चीजें ऐसी पता चली हरियाणा की राजनीति में जो चीजें हैं इंटरनली। सो दोस्तों, हरियाणा में इस बार जो लोगों का मूड है वो बदलाव का लग रहा है। खैर, जो भी होगा 8 अक्टूबर को आप सब लोगों के सामने होगा, किसके सर सजेगा ताज, कौन होगा हरियाणा का राजा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक देखते रहे अर्थप्रकाश टीवी। गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।